हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको X2 के नए स्टेबल अपडेट के बारे में, जो कि है MIUI 11.0.6.0। और ये फाइनली पोको X2 को मिलना शुरू हो गया है। अगर आपको नहीं मिला है तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ हमें नया देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले गाइस, मैं आपको बता दूँ, पोको X2 का 90% बग्स को फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। बहुत सारे बग्स था पोको X2 में, लेकिन 90% यहाँ पर बग्स को फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बग्स था, क्या क्या इस अपडेट में हमें नया देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो गाइस, देख सकते हैं ये फ़ोन हमारा अपडेट हो गया है फाइनली, और मैं इसे अपडेट कर लिया हूँ। चलते हैं सेटिंग में और देखते हैं क्या कुछ इस अपडेट में हमें नया देखने को मिलता है, और उसके बाद बताऊँगा कि वो कौन कौन से बग्स था जो फिक्स किया गया है इस अपडेट में। सबसे पहले अबाउट फोन में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है पोको X2। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि है 1 मार्च 2020 का। और उसके बाद यहाँ पर अपडेट में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कुछ भी हमें अपडेट नहीं है, अभी फिलहाल कोई भी अपडेट अवेलेबल नहीं है। थ्री डॉट्स में जाके यहाँ पर व्हाट्स न्यू में जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में दिया गया है सिक्योरिटी पैच लेवल को, और उसी तरह से ऐप लॉक में यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यू दी गई है। तो ऐप लॉक में जाकर देख लेंगे, यहाँ पर ऐप लॉक सही से काम नहीं करता था कुछ कुछ एप्लीकेशन में, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर लॉक लगा कर देख लेंगे क्या सही काम करता है या नहीं करता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है, तो ये दो ही यहाँ पर फीचर्स के बारे में हमें दिया गया है व्हाट्स न्यू में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ये जो अपडेट है वो है 443 MB का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 443 MB का ये अपडेट, जो कि है MIUI 11.0.6.0, और ये एंड्रॉयड 10 का अपडेट है। उसके बाद यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मैं बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाएंगे सेटिंग में और जाएंगे ऐप लॉक में, जो कि सबसे नीचे हमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ऐप में जाएंगे और ऐप लॉक में जाएंगे, तो यहाँ पर ऐप लॉक सभी तरीके से काम कर रहा है, बहुत सही तरीके से काम कर रहा है। सभी एप्लीकेशन में लगभग काम यहाँ पर कर रहा है। पहले ये होता था कि बहुत सारे एप्लीकेशन में ये काम नहीं करता था, और यहाँ पर फाइनली अभी सभी एप्लीकेशन में ये काम कर रहा है परफेक्टली। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे किसी भी एप्लीकेशन को, यहाँ से हम लोग टिक मार्क लगा दे सकते हैं, और ये सभी एप्लीकेशन में काम करता है ऐप लॉक, किसी तरह का हमें दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर सेटिंग भी मिल जाता है हमें बहुत सारे ऐप लॉक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेटिंग मिल जाता है। फेस अनलॉक से आप अनलॉक कर सकते हैं अपने ऐप को, और फिंगर से, और अपने पैटर्न डाल के, तो कुछ इस तरह से ये ऐप लॉक काम करता है। बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, बहुत सारे कस्टमाइज दिया गया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर गाइस, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज, यानी बैटरी ड्रेन होता था, वो फिक्स हो गया फाइनली। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि ये 91% है, जो कि काफ़ी, यहाँ पर इस अपडेट को मैं डाउनलोड भी किया हूँ और बहुत सारे फीचर्स को यहाँ पर टेस्टिंग भी किया हूँ, उसके बाद हमारा जो बैटरी है वो ओनली 9% यहाँ पर कम हुआ है। तो इस अपडेट को डाउनलोड करने में मुझे लगा था लगभग 20 से 25 मिनट, और उसके बाद यहाँ पर जो फीचर्स था उसको भी मैं देखने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लगाया हूँ। लगभग 1.5 घंटे के अंदर में यहाँ पर जो बैटरी हुआ है 9% यहाँ पर डाउन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर दिया गया है, और हमारा जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा बैकअप दे रहा है पहले से। दूसरा गाइस, इसमें ये अपडेट में ये फिक्स किया गया है हमारे कैमरा एप्लीकेशन को। गाइस, कैमरा जब भी हम लोग लगातार 15 से 20 मिनट हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता था कि आपका फ़ोन ओवरहीट हो गया है। तो ये फाइनली ये बहुत बड़ा बग्स था जो कि मेरे साथ होता था, और यहाँ पर ओवरहीटिंग जो प्रॉब्लम था कैमरा ओपन करने के बाद, इसको फिक्स कर दिया गया है गाइस। बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना अपना कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं है। इसको मैं 15 मिनट लगातार यहाँ पर कैमरा को ऑन करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके यहाँ पर मैं इसको टेस्ट किया हूँ, जो कि मैं पहले भी करता था, तो यहाँ पर ओवर हीट हो जाता था हमारा फ़ोन, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता था कि आपका फ़ोन ओवर हीट हो गया। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता था, एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, कि हमारा कैमरा एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता था हीटिंग की वजह से। तो ये फाइनली इस अपडेट में इसे फिक्स कर दिया गया है, किसी तरह का दिक्कत इसमें नहीं है गाइस। हीटिंग का जो प्रॉब्लम मैं बताया था आपको कि हीटिंग का इशू है इस फ़ोन के साथ में, वो फाइनली लगभग लगभग फिक्स हो गया है। और जितने भी इश्यूज था इससे पहले, मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था, उसमें लगभग 90% यहाँ पर बग्स को फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट में। तो फाइनली हमारा जो पोको X2 है वो काफ़ी बेहतरीन हो गया है पहले से, और इस अपडेट को आने के बाद से।
तो गाइस इस अपडेट में तो ज़्यादा कुछ हमें फीचर्स देखने को नहीं मिलता है, बस हमें सिक्योरिटी पैच लेवल और छोटा मोटा यहाँ पर जो बग्स था वो लगभग 90% यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। कैमरा अब हीटिंग के प्रॉब्लम से बंद नहीं होता है और हम लोग अब वीडियो रिकॉर्डिंग 15 या 20 मिनट जितना रिकॉर्डिंग करना है उतना कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और बैटरी को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर दिया गया है और बैटरी हमारा जल्दी जल्दी यहाँ पर ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो गाइस इस अपडेट में हमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो गाइस आज के स्टूडियो में बस इतना ही, अगर आपको कोई नया फीचर इस अपडेट में देखने को मिले तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में चेक करने के लिए यहां पर सर्च करने के लिए। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।